हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अरे अरे बहु अरे इन कलेक्शन ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन इन विच ईच लोकेशन सेम डेटा टाइप, जैसे कि ये एक अरे है, इसका नाम क्या रखा है मैंने, ए, इकट्ठी मेमोरी है ओके, एक दो तीन चार पांच, पहली मेमोरी का नेम रखेगा ए जीरो, इसको कहते हैं इसका इंडेक्स A वन, A टू, A थ्री और ये A फोर। टोटल मेमोरीज क्या है, पांच, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, इंडेक्स से, जीरो से। ये जो इसका नेम है A, इसमें इस मेमोरी के स्टार्ट का एड्रेस स्टोर होता है। फिर पहली लोकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से, A वन से। सिंपल वेरिएबल नहीं है ये जब आप इसके साथ इंडेक्सिंग या सबस्क्रिप्ट लगाते हैं तो ये बन जाती है। इसके लिए डिक्लेरेशन क्या होगी, मिसाल के तौर पे आपने लिखा इन ए फाइव। अब यहां पे देखें इसका मतलब है ए के नाम से एक अरे बना जो पांच मेमोरी लोकेशन पर मुश्तमिल होगी और हर लोकेशन क्या होगी, इंटीजर होगी। अब यह जरा डेफिनेशन को देखें तो ये देखें ये कंसेक्टिव मेमोरी है एक के बाद एक और हर एक की डेटा टाइप सेम होती है, यानी हर एक मेमोरी लोकेशन की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। अब आप इस मेमोरी को जब बना लेंगे तो इसके ऊपर डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसके कई तरीके हैं। पर आप असाइनमेंट के जरिए भी कह सकते हैं, आप जान चुके हैं कि ये मेमोरी ए जीरो के नाम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं, फिर ए वन इसके ऊपर टू स्टोर कर, और इसी तरह ये चलते रहेंगे ए फोर तक, आप कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा अल्टरनेट भी है कि आप लिखें सी इन ए जीरो को मेमोरी में, सी इन ए वन मेमोरी लोकेशन को रीड कर रहे, इसी तरह से मेमोरी लोकेशन को वो रीड करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैंने 100 की अरे बनाई तो क्या मैं इसी तरह से लिखता रहूं, नहीं। अगर आप गौर से देखें तो इसका ये सब्जेक्ट चेंज होगा, जीरो वन So, तो हम इस पर लूप लगाएंगे और लूप की मदद से हम ये रीड करेंगे और फिर उसको देखते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं अरे का जो कि फाइव नंबर्स को क्या करें, रीड करें, फिर उनका सम डिस्प्ले करें और फिर उसकी एवरेज डिस्प्ले करें। ये पहला लेक्चर है, इसमें थोड़े से आपको रिकॉलिंग कराई जा रही है जो आप पहले पढ़ के आए हैं ग्रुप में या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, हमने प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम रीड फाइव नंबर्स फ्रॉम यूजर इन ए अरे डिस्प्ले दिया सम एवरेज एंड डिविजिबल बाय फाइव नंबर। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ताकि आप थोड़े से फैमिलियर हो जाए। बेसिकली हमें इसके जाना सर्चिंग और सॉर्टिंग पे है और उनके ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो प्रोग्राम के सेंस को पहले अंडरस्टैंड करें क्या है, पहले वो फाइव नंबर्स ले फ्रॉम यूजर, बता दिया है कि वो फाइव नंबर्स अरे में ले यूजर से और फिर उसका सम एवरेज और डिविजिबल बाय फाइव जो नंबर्स है सिर्फ वही डिस्प्ले कर। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा, आपने तो आप फैमिलियर होंगे, यहां पे लिखें इंट मेन और ऊपर आप उसी तरह से लिख लेंगे इंक्लूड
आयो स्ट्रीम नेम यूजिंग स्पेस और आप इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे और यहां पर एंड से पहले क्या लिखेंगे रिटर्न क्योंकि मैंने कहा ये इंटीजर होगा तो कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करो। अब एक्चुअल की तरफ आते सबसे पहले मैंने कहा एट एट फाइव यानी एक अरे बना फाइव ये क्योंकि एक्शन पोर्शन है तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा उसने एक फाइव नंबर से पहली मेमोरी का नाम होगा एक फिर क्या होगा एक वन फिर क्या होगा एक टू फिर क्या होगा एक थ्री फिर क्या होगा एक। अब जब ये पहली डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आप लिखेंगे इसका मतलब क्या है एक अरे है जो पांच मेमोरी लोकेशन पर मुश्तमिल है और हर मेमोरी इंटीजर टाइप की है। जैसे ये लिखेंगे बैकएंड पर ये उसने मेमोरी एलोकेट की और उनके ये नाम रखे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पर पड़ा क्या होगा मुझे नहीं पता कोई भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पर हो सकती है मतलब 33, 33, 34 क्योंकि मैंने इन पर अभी तक कुछ नहीं रखा। अब मैंने ये चार पांच मेमोरी की वैल्यू रीड करनी है जो कि मुझे पता हो कि मैंने यहाँ पे रखी है तो इसके लिए मैं एक लूप लगाऊंगा उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया आई ये एक लूप वेरिएबल एक वेरिएबल लिया सम के नाम से और उसे जीरो से इनिशियलाइज करा। एवरेज में क्योंकि डिवीजन इन्वॉल्व होती है उसे मैंने फ्लोट ले लिया क्योंकि आप जानते हैं कि जब डिवीजन होनी है मुझे नहीं पता रिजल्ट फ्लोट में आएगा या इंटीजर में आएगा इसलिए मैंने जिसमें एवरेज आनी है उसको मैंने फ्लोट टाइप कर दिया। सबसे पहले मैं ये लूप लगाऊंगा जो कि इसको गेट करेगा सो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से शुरू होगी जीरो मैंने इस सेगमेंट को लेकर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट आई लेस देन इक्वल टू फोर आई प्लस बस। अब यहां पर मैंने सीन ए आई को रीड अब जैसे ही ये लूप पहले आई जीरो ए जीरो को रीड करेगा फिर आई वन ए वन को रीड करेगा ए टू को एहसास ए जीरो को जब रीड किया तो मैंने दिया 12 यहां दिया 3 यहां दिया 15 यहां दिया 20 और यहां दिया 4। जब ये आई की वैल्यू 5 होगी इस लूप से बाहर आ गया यहां से बाहर निकला तो मैंने अब इन सब नंबर को जमा करना है वो भी तो कहां से जीरो से लेकर 4 तक तो मैंने एक दफा फिर लूप लगाई 4 आई जीरो से शुरू आई लेस देन इक्वल टू फोर आई प्लस प्लस ताकि अरे का हर एलिमेंट इसमें आए इसलिए मैंने किया सम इक्वल टू सम प्लस ए आई क्योंकि ऊपर वाली लूप की मदद से मैं इसमें वैल्यू रीड कर चुका हूँ। अब सम में क्या पड़ा होगा जीरो ए जीरो ए जीरो पे क्या पड़ा होगा 12 प्लस जीरो बनेगा 12 सम में क्या आ जाएगा 12। अगली दफा लूप में आएगा तो आई क्या हो चुका होगा 1 ए 1 पे क्या पड़ा होगा 3 सम में क्या पड़ा होगा 12 12 और 3 क्या होंगे 15 सम में क्या स्टोर हो जाएगा 15। अब यहां भी ये देखते जाए कि ये मेमोरी सम की है ठीक है जिसमें पहले क्या होगा 0 और ये मेमोरी किसकी है एवरेज फिर देखें सम में क्या है 0 ए 0 पे क्या पड़ा होगा 12 0 प्लस 12 यहां पे क्या 0 वाश का 12 सम। अगली दफा आया आई क्या हो गया 1 ए 1 पे क्या पड़ा होगा 3 सम में क्या पड़ा होगा 12 12 प्लस 3 इधर ही क्या हो जाएगा 15 और ये परफॉर्मेंस होती है। जब मैं इस लूप से बाहर निकला तो मैंने सियाओ सम को इसमें लिखा अब यही सम में जो आया हुआ है उसको अगर मैं 5 पे डिवाइड कर दूं तो एवरेज निकल मैं किसी रिजल्ट में ही स्टोर कराना चाहता या आप चाहें तो यहां लिखे सम डिवाइड बाय 5 और इसको ए बी जी में क्या करा स्टोर कर। अब यहां भी देखें ये एवरेज सम में जो पड़ा हुआ है उसे 5 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट किसने आ गया एवरेज। अब उसने क्या कहा था एवरेज को भी डिस्प्ले करें सी आउट बैक स्लैश एन पहले लाइन फिर क्या लिखे A, B, G, M. अब यहां पे देख लें ये इसको मैं सेपरेट कर ये इसी तरह से प्रोग्राम अभी चल रहा है यहां ये 1 और ये 2। अब यहां पे एवरेज सम भी डिस्प्ले करा लिया एवरेज भी डिस्प्ले करा लिया। अब मेरे वो नंबर्स लेने हैं इनमें से
जो 5 पे क्या है डिविजिबल, उसके लिए भी आप इसी लूप के अंदर एक और लूप लगा दें फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4 और i प्लस प्लस, इसके अंदर चेक लगा दें इफ ए आई यानी ए 0 परसेंटेज 5 इक्वल टू किसके है 0 के, सी आउट ए आउट। मैंने दोबारा आप कहेंगे सर बार बार क्यों लूप लगा रहे हैं, मेरी बच्ची यहां भी ये लूप खत्म हो गई, मैंने आई को दोबारा जीरो कर दिया, जब तक 0 4 से कम है ये परफॉर्म, मसलन ए 0 पे जो पड़ा हुआ है उसको 5 से डिवाइड कर करें डिवाइड, जब हम देखते हैं 0 पे 12 पड़ा हुआ है तो 5 पे डिवाइड किया तो 5 2 का 10 रिमाइंडर क्या बचा 2, वो तो 0 के बराबर नहीं है, ये काम नहीं होगा लगा दे आई बढ़ के क्या होगा 1, 3 को डिवाइड करेगा वो भी 5 पे नहीं होगा, फिर ए 2 पे ये 15 डिविजिबल है रिमाइंडर पे आ जाएगा 0, ये परसेंटेज है इसमें रिमाइंडर रिटर्न होता है तो वो लिखेगा ए यानी 15 इनमें से डिविजिबल है उसको डिस्प्ले करेगा, फिर 20 डिविजिबल है उसको डिस्प्ले करेगा, 4 डिविजिबल नहीं है उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ये लॉजिक बनाई है, मैंने 3 लूप चूज किए हैं, ये काम एक लूप से भी हो सकता था, तो इसके लिए हम एनालिसिस करेंगे कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फिर और कोई लॉजिक बनाते हैं इस प्रोग्राम की उसको बनाएंगे तो उसके साथ हम चेक करेंगे कि उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जिसकी बेहतर परफॉर्मेंस होगी हम उस लॉजिक को आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैंने ये पहले लेक्चर में अरे को थोड़ा सा आपके लिए गो थ्रू कराया है और आपने इसको परफॉर्म करना है और थ्योरी भी साथ साथ चलेगी, उसकी भी फाइल अपलोड होगी और ये प्रैक्टिकल भी साथ साथ परफॉर्म होगा और मैं भी ऑनलाइन मौजूद हूंगा, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा। आपने अरे के हवाले से देखना है कि अरे के पॉसिबल प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं और उन्हें किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, जैसे कि आपने इसके बाद एक प्रोग्राम बनाना है ये फिबोनाची सीरीज का 1 1 2, नेक्स्ट क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 8 और लॉजिक क्या है इसमें, ये दो नंबर इन दोनों को ऐड किया तो ये नंबर बना, फिर प्रीवियस दो नंबर इन दोनों को ऐड किया तो ये नंबर बना, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये नंबर बना, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये नंबर बना, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये नंबर बना। आपने ऐसी लॉजिक बनानी है, ऐसा एल्गोरिथम बनाना है जो कि इसको कहा जाता है फिबोनाची सीरीज, इस सीरीज को अरे की मदद से डिस्प्ले करें, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये बनाऊंगा और फिर सबसे पहले हमने सॉल्विंग को शुरू करना है और फिर सर्चिंग की तरफ मूव करना है। यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताता जाऊं, ये मैंने प्रोग्राम लिखा है और अगर आप इसको स्टेप वाइज इंग्लिश में इसके स्टेप्स लिख दें तो वो इसका क्या कहलाएगा, अल्गोरिथम कहलाएगा। अल्गोरिथम बेसिकली बताएगा यही कि ये काम कैसे होना है, लेकिन किसी भी लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा और वो आपको स्टेप वाइज आप इंग्लिश में लिखें, जैसे कि अगर मैं इसका अल्गोरिथम लिखना चाहूं तो मैं लिखा टेक 5 नंबर अरे, फिर टेक वेरिएबल आई फॉर लूप और एक सम एक वेरिएबल है जिसे 0 से इनिशियलाइज करें, अगला स्टेप क्या होगा एवरेज एक में फ्लोट, फिर आपको बताना होगा स्टेप अगर ये 3 है 3 से लेकर 4 तक रिपीट हो कितनी दफा जब तक आई 4 तक ना, तो यानी सिंपल इंग्लिश में अगर इसको लिखा जाए तो वो अल्गोरिथम होते हैं और फिर उन अल्गोरिथम को किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया जाता है, हम इसे C++ में साथ साथ इंप्लीमेंट करेंगे और साथ साथ अल्गोरिथम को भी देखेंगे और प्रोग्रामिंग को भी देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने ये बड़े क्लियर वे में आपको ये समझाया, आपको समझ आई होगी, अपना ख्याल रखिएगा, सब एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।